लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की नैब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने डायरेक्टर नैब को कल तलब कर लिया। डायरेक्टर नैब कल बताएंगे कि परवेज़ इलाही की इंक्वायरी कब शुरू हुई। जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त पर समात की है। अहम केस है, उस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज़ इलाही की नैब की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार देने की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने डायरेक्टर नैब को कल तलब कर लिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर कलदम करार देने के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इस हवाले से डायरेक्टर नैब को कल सुबह 9 बजे तलब कर दिया है और साथ ही साथ अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकला को दलायल मुकम्मल करने की हदायत कर दी है। दरख्वास्त गुजार के वकील आमिर सईद ने यह मौकफ इख्तियार किया था कि नैब ने गैर कानूनी तौर पर परवेज इलाही को गिरफ्तार किया और इस हवाले से जो कायदे जवाबत थे उन पर भी अमल दरामद नहीं किया। जी आपका बहुत शुक्रिया।